हॉलो इंग आउट, हॉलोइंग आउट मतलब हॉलो होना, हॉलो मतलब क्या, अंदर से खोखला होना, है ना। अगर आपने फ्लूट को देखा होगा, जो बैम्बू की हम म्यूजिकल फ्लूट बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, है ना, बांसुरी में क्या होता है, अंदर से वो खोखली होती है, उसके छेद होते हैं और फिर उसमें से अच्छी बांसुरी की आवाज आती है ना, साउंड निकलती है, राइट। जब हम जर्नी करते हैं, हम एक किसी भी गाइड को, पावर एनिमल को, या जो भी है, जिसको भी हम, जिसके थ्रू हम जर्नी करते हैं, राइट। अगर हमारे अपने खुद की हम बहुत सी चीजें रखेंगे, सोच रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने बिलीफ रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी के एफर्ट में बाधा क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ईगो है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, है ना, हम में ये एक ये समझ है कि जो मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, या ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है, राइट। तो हम अपना दिमाग बहुत लड़ाते हैं, है ना। आपको शामनिज्म में दिमाग नहीं लड़ाते, है ना, क्योंकि हमने बोला दिल से सोचना है, दिल से समझना है, दिल से देखना है, राइट। दिल जो है ये सब चीजों में नहीं पड़ता है ना, वो ये सब चीजों में फर्क नहीं देखता है, वो चीजों में कैलकुलेशन नहीं यूज करता है, वो अपने एनालिटिकल स्किल्स नहीं यूज करता है, वो इमोशंस यूज करता है, राइट। सो हमने जो राइट ब्रेन से यूज करना है, जो राइट ब्रेन है वो हमारा क्रिएटिव ब्रेन है ना, राइट। तो जो भी हमारी ईगो है, जो भी हमारे खुद के थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारी खुद की आइडेंटिटी है, जो हमारे विचार है, वो हमको छोड़ देना। आप ये सोच लो, आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देना है उस गाइड को, उस जने को जो आपको आगे लेके जा रहा है जर्नी, ओके। जो आपके सामने प्रकट होएगा, आपका पावर एनिमल है या जो भी है, राइट। तो जब आप ऐसा करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू वॉक। सो उसको बोलते हैं हॉलो करना, हॉलो मतलब अपने आप को खाली कर देना, है ना। जब खाली करोगे तो ही भर सकता है ना, घड़ा अगर पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें आप क्या भर दोगे, और कुछ नहीं भर सकते थे, है ना, राइट। तो ये आपने ये सुना भी होगा ना, एक बार ऐसा था ना, एक कहा किसी ने, कोई स्टोरी भी थी बहुत अच्छी, कि एक कोई साधु के पास जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ सिखाइए, तो पहले बोलता है कि पहले जो दिमाग पे है ना वो सब निकाल दो, क्योंकि जब इतना दिमाग में भरा हुआ है तो मैं और क्या डालूंगा उसके अंदर, जब ये खाली होएगा तो ही मैं कुछ डाल सकता हूँ, राइट। तो हमको वैसा अपने आप को खाली खाली घड़ा बना देना है, ओके, राइट। क्योंकि जब जितना हम फॉलो करेंगे अपने आप को, उतना अच्छा हमारा शामनिक जर्नी होएगा, शामनिक जर्नी, ओके। और अगर हम अपना ज्यादा विचार, तर्क, वितर्क यूज करेंगे तो उतना प्रॉब्लम्स हमारी जर्नी में आएंगे, ओके। Thank you.